भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू कम्युनिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पुराना इनका इतिहास रहा है और हर कोई अपने लाइफ में एक बार इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर करना चाहेगा। सो वेलकम बैक विद अ न्यू मिस्टीरियस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जो इसका इतिहास है वो लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे भीम से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है इसकी कहानी, आखिर क्या क्या घटनाएं हैं, आखिर क्या है इसके पीछे का राज या फिर रहस्य, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और पूरा देखना। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के पुणे से लगभग करीब करीब 110 किलोमीटर दूर काशीपुर में स्थित है। भगवान शिव का ये मंदिर सह्याद्री पर्वत पर बना हुआ है, घने जंगलों से घिरा हुआ। बीच में ये मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है तो और इसके पास से ही भीमा नदी भी बहती है जो कि आगे जाकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है वो काफी सालों पुराना है और इसका जिक्र हमें शिव पुराण में जरूर मिलता है। ऐसा कहते हैं कि लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण का एक बेटा था जिसका नाम भीम था और भीम एक राक्षस था। भगवान राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था उसी समय जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। कहते हैं कि भीम का जन्म भी उसी समय हुआ था और भीम की माता का नाम करकटी था। कुंभकर्ण की मुलाकात करकटी से एक पर्वत पर हुई, उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी। समय बाद जो कुंभकर्ण था वो लंका लौट आया था, लेकिन करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका नहीं आई थी, वो उसी पर्वत पर रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, इसका नाम भीम रखा। लेकिन भीम अपने पिता कुंभकर्ण से मिल पाता, भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया था युद्ध के दौरान। कुंभकर्ण के रावण के युद्ध में मारे जाने के बाद करकटी जो थी वो अपने बेटे को लेकर काफी दूर चली गई और वहीं पर भीम का लालन पोषण किया। परंतु जब भीम बड़ा हुआ तो करकटी ने उसे बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान श्री राम ने की थी जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। और करकटी ने उसे ये भी बताया कि उसके पिता करकट और उसकी माता पुष्कशी को भी एक भगवान विष्णु के भक्त सुतिक्ष मुनि ने मारा था। ये सब जानकर भीम को काफी ज्यादा गुस्सा आया, वो अब प्रतिशोध या फिर कहें तो बदला लेना चाहता था। बदला लेने के लिए उसने करीब करीब 1000 साल तक ब्रह्मा जी की कठोर से कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो भीम ने उनसे वरदान मांगा कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाए और कोई भी उसका सामना न कर पाए या फिर कहें तो युद्ध में कोई भी उन्हें हरा ना पाए। ये वरदान पाकर ही भीम अपने चरम सीमा पे आ गया और सबसे पहले उसने इंद्र को और बाकी देवताओं को हराया, आखिरी में उसने भगवान श्री विष्णु को भी युद्ध में हरा दिया था। तभी उसने पृथ्वी पर वापस आकर हाहाकार अत्याचार मचाना शुरू किया। उसने चारों तरफ मारकाट मचा रखी थी और तो और वो किसी को भी जीना नहीं देना चाहता। उसका कहना ये था कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, आप लोग विष्णु की नहीं मेरी पूजा करें, सारे भगवानों को ना माने, सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करें। भीम ने एक बार शिव भक्त राजा दाम रूपेश्वर को बंदी बना लिया। दाम रूपेश्वर को कहा कि भगवान शिव की पूजा नहीं करोगे बल्कि मेरी पूजा करोगे, परंतु दाम रूपेश्वर ने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी और उसे कारागार में डाल दिया। दाम रूपेश्वर ने कारागार में भी भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना कंटिन्यू करा या फिर चालू रखा। ये सब देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने सोच लिया था कि ये जो शिवलिंग इसने बनाया है मैं उसे काट दूंगा। उसने जैसे ही तलवार निकाली इतने में भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव और भीम के बीच काफी ज्यादा युद्ध हुआ। आखिरी में भगवान शिव ने उसे मार दिया। तभी सभी देवताओं ने उनकी पूजा की, अर्चना की और उनसे प्रार्थना की कि आप यहीं पर शिवलिंग के रूप में बस जाइए कि आपके भक्तों का कल्याण हो सके। तभी से वहां पर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगी। भगवान शिव ने वहां पर भीमेश्वर राक्षस का वध किया था, तभी से वहां का नाम भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। नागर शैली में बना यह ज्योतिर्लिंग काफी सालों पुराना है और इसका कई बार रिनोवेशन कराया जा चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी भगवान शिव में काफी ज्यादा आस्था थी और कहते हैं कि भगवान शिव उनके ईष्ट थे, इसलिए उन्होंने श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए काफी कुछ किया, काफी कुछ सुविधाएं बनवाई। जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जो शिखर है उसे फणानाविश ने बनवाया था और उन्होंने इस मंदिर में सबसे बड़ा घंटा भी बनवाया था जो कि यहाँ पे आने वाले भक्तों के लिए काफी बड़ा अट्रैक्शन माना जाता है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी एक ड्रेस कोड है। कहते हैं कि गर्भगृह में जो पुरुष जाते हैं वो सिर्फ धोती पे जाते हैं और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सावन के महीने में हजारों लाखों भक्तों की काफी बड़ी भीड़ उमड़ती है और कहा जाता है कि भीड़ में आपको दूर से ही दर्शन करने होते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के। और तो और यहाँ पे सावन मास में काफी उत्सव मनाया जाता है। मंदिर के पीछे दो कुंड हैं जिनमें की हमेशा पानी भरा हुआ होता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास ही माँ पार्वती का भी मंदिर है जिसे मंजा मंदिर के रूप में जाना जाता है और पूजा भी जाता है। कहते हैं कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अगर आप जाते हो, माँ पार्वती के दर्शन अगर नहीं करते हो तो आपकी जो यात्रा है उसे अधूरी मानी जाती है। तो ये तो थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।